नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। 543 में से एनडीए 373 सीटें जीतती दिख रही है, जबकि इंडिया अलायंस के पास 155 सीटें जा सकती हैं और अन्य को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। ये मोटे तौर पर ओपिनियन पोल का एनालिसिस है, लेकिन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ये वो राज्य हैं जो कि लोकसभा सीटों के हिसाब से हैवी वेट माने जाते हैं। अकेले चार राज्यों में 210 सीटें हैं और सर्वे ये कहता है कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी को एडवांटेज है, जबकि बंगाल में अपना पिछला ग्राफ बढ़ाएगी, लेकिन डेटा के अंदर वाला डेटा ये बताता है कि 210 में से 77 सीटें ऐसी हैं जहां पर या तो 1% या फिर 3% वाले वोट शेयर से कैंडिडेट आगे या पीछे है। अब अगर वोट का मन बदला, वोट स्विंग हुआ, तो फिर आंकड़े भी बदल जाएंगे। तो देखिए, ये एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल जो कहता है कि फिलहाल अन्य को यहां पर 15 सीटें मिलने की संभावना है। तो एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है, 543 सीटों में से एनडीए को 373 सीटें मिल सकती है, हालांकि टारगेट 400 प्लस का है। इंडिया गठबंधन को 155 सीटें मिलने का अनुमान है। तो देखिए, 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल और सोर्स है सी वोटर, कुल सीटें हैं 543। अब इसमें किसे कितना वोट मिलेगा वो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। एनडीए में किसे कितना वोट परसेंट, 47% एनडीए को, इंडिया को 40% और अदर्स के खाते में 13% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। और अब सीटों के लिहाज से बात करेंगे किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो देखिए, 543 में से एनडीए को 373 सीटें मिल सकती हैं ओपिनियन पोल के हिसाब से, इंडिया गठबंधन को 155 सीटें जा सकती हैं और अदर्स के खाते में 15 सीटें आ सकती हैं। और इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्विंग सीट की, यानी कि किसी भी चुनाव में ऐसी सीटें बहुत बड़ा फैक्टर होती हैं, क्योंकि कई बार बड़े उलट फेर भी कर देती हैं ये सीटें। और इसी तरह से कुछ क्लोज और डेड हीट सीट भी होती हैं, और इनके बारे में आपको हम कुछ जरूरी बातें जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, स्विंग का आसान मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है वोटर का निश्चित ना होना, यानी कि ऐसे वोटर जिन्हें आखिरी वक्त तक अंदाजा नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं। तो देखिए, 3% क्लोज और डेड हीट 1%। स्विंग का बहुत आसान मतलब आप समझिए कि वोटर का निश्चित नहीं होता, वो किसी भी वक्त कुछ भी स्विंग हो सकता है। तो इसमें डेड हिट का जो परसेंटेज है वो 1% है और क्लोज यहां पर 3% आता है, यानी कि जो अंतिम समय होता है उसमें स्विंग वोटर किसी भी तरफ जा सकते हैं। यहां पर क्लोज का मतलब ऐसी सीट से है जो कि भवन में फंसी हुई सीट है, यहां पर 3% वोट के साथ किसी भी संबंधित पार्टी को अभी बढ़त है, लेकिन ये 3% वोट इधर से उधर होने की आशंका बनी हुई है। अगर जीत रही पार्टी की तरफ स्विंग हुआ तो बढ़त और ज्यादा हो सकती है, और अगर हार ही हुई पार्टी की तरफ स्विंग हुआ तो नतीजा इसके उलट भी हो सकता है। लेकिन इसी के साथ यहां आपके लिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि जो डेड हीट है इसका मतलब क्या होता है, यहां पर 1% वोट के अंतर से उलट फेर हो सकता है। तो देखिए, ये हमने आपको समझाया कि क्लोज जो 3% है उसका मतलब क्या होता है, और डेड हीट जो कि 1% है उसका मतलब क्या होता है, यहां पर 1% वोट के अंतर से कोई भी उलट फेर हो सकता है। लेकिन जो क्लोज जिसका परसेंटेज 3 है उसमें भी इधर से उधर वोटर के होने की आशंका बनी रहती है। तो ये था एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल जिसके जरिए आपने समझा। अब आइए बात करते हैं उस राज्य की जिसमें लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, और ये राज्य ही तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। एबीपी सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के फाइनल राउंड के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए को 73 जबकि इंडिया अलायंस को सिर्फ 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछले चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार यहां पर खाता खोलती हुई भी नजर नहीं आ रही है। तो देखिए, आगे आपको बड़ी स्क्रीन के जरिए हम समझाते हैं यहां की स्थिति कैसी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश फाइनल ओपिनियन पोल, सीटें हैं 80, और यहां पर देखिए आगरा, अकबरपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, यानी कि जो ये रेड जोन में आपको नजर आ रहे हैं, जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये एनडीए के पास ऐसी 73 सीटें जाती नजर आ रही है, और जो ब्लू कलर में आपको यहां पर नजर आ रहे हैं ये जो सीटें हैं ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और अदर्स को यहां पर शून्य सीट, कोई भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, 73 एनडीए के खाते में ओपिनियन पोल
पोल के मुताबिक और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। रेड और ब्लू कलर के जरिए आप समझिए जो आपको बहुत ज्यादा हिस्सा रेड कलर में नजर आ रहे हैं। 73 वो सीटें हैं जिनमें कई महत्वपूर्ण सीटें आप देख लीजिए, कानपुर है, गोरखपुर है, इसके अलावा आगरा है, बहराइच है, चिंदौली है, फिरोजाबाद है, लखनऊ है, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें जो जिनकी संख्या 73 है ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। लेकिन ये जो 7 सीटें ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, मैनपुरी, घोसी, आजमगढ़, रामपुर, ये जो 7 सीटें हैं ये इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।